व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं न्यू स्पीडोमीटर लेके आया हूँ अपने बजाज चेतक के लिए, और ये मेरे को 490 रुपीस में मिला है सुहानी बिल्डिंग से, जो कि लुधियाने में है। और गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये स्पीडोमीटर चेंज क्यों कर रहा हूँ। आपको देख के पता चल ही रहा होगा गाइस कि मैं इसमें न्यू स्पीडोमीटर क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसकी जो नीडल है, जो स्पीड दिखाती है, वो ऐसे ही वाइब्रेट करती रहती है बार बार, और बिल्कुल भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखाती। और इसीलिए गाइस मैं इसमें स्पीडोमीटर न्यू इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, इसके इंस्टॉल करने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। स्पीडोमीटर को ओपन करने के लिए गाइस नीचे एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको लूज करके स्पीडोमीटर बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, सो गाइस, मैंने पुराना स्पीडोमीटर बाहर निकाल दिया है, और नई स्पीडोमीटर में इसकी लाइट और ये एक जो वायर नीचे जाती है जिससे हमारी स्पीड पता चलती है, वो मैंने इंस्टॉल कर दी है। वो बहुत इजी है इंस्टॉल करनी, बस वो टाइट हो जाती है और जो लाइट है वो इसके अंदर डल जाएगी। ऑलराइट, सो गाइस, अब फाइनली मैंने स्पीडोमीटर वापस लगा दिया है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो फाइनल लुक है वो कैसे आ रही है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और हाँ जी गाइस, अब जो इसकी प्रॉब्लम थी, नीडल बहुत हिलती थी, वो सही हो गई है।